आपको बता दें कि इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी सामने आ रही है। राजधानी लखनऊ की हवा भी जहरीली हो गई है। राजधानी लखनऊ की हवा भी जहरीली हो गई है। तलाकटोरा लालबाग को रेड जोन घोषित किया गया है। आपको बता दें तलाकटोरा और लालबाग को रेड जोन घोषित किया गया है। लखनऊ में लोगों को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तालटोरा इलाके का AQI 104, लालबाग का AQI 360 दर्ज किया गया है। प्रदूषण बढ़ने का कारण फैक्ट्रियों से निकलने वाला धुआं है। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी लखनऊ से सामने आ रही है। निर्माण के दौरान डस्ट का हवा में मिलना एक बड़ा कारण है। तालटोरा इलाके का AQI 401, लखनऊ लालबाग का AQI 360 दर्ज किया गया है। आपको बता दें कि लखनऊ में भी हवा जहरीली हो गई है। लखनऊ में प्रदूषण का स्तर बढ़ गया है, जिससे लोगों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं लालबाग तलाकटोरा को रेड जोन घोषित किया गया है। लखनऊ का कुल AQI 300 के करीब पहुंच गया है। जिसके चलते लोगों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी लखनऊ से सामने आई है, जहां प्रदूषण का स्तर बढ़ गया है, जिसके चलते लोगों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं प्रदूषण बढ़ने का कारण फैक्ट्रियों से निकलने वाला धुआं बताया जा रहा है। निर्माण के दौरान डस्ट का हवा में मिलना भी एक कारण सामने आया है। आपको बता दें कि लखनऊ से बड़ी खबर सामने आई, लखनऊ में प्रदूषण का स्तर बढ़ गया है। लखनऊ का AQI 300 दर्ज किया गया है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए लखनऊ से हमारे साथ संवाददाता जितेंद्र चौहान जुड़ गए हैं। जितेंद्र जी, जिस तरह से लखनऊ में प्रदूषण का स्तर बढ़ता जा रहा है, इससे लोगों को किन दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है? देखिए, दिल्ली में लगातार जो जहरीली हवा है वो कहीं ना कहीं लगातार प्रकोप मचाए हुए है, और वहाँ स्कूल बंद करने की नौबत तक आ चुकी है। तो वही लखनऊ में भी इस तरह की चीजें देखने मिली है, और लखनऊ में आज का IQ लेवल जो नापा गया है वो 300 के पार हो चुका है। और लखनऊ के दो क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर लगातार जो IQ लेवल है वो बढ़ा हुआ है, वो लखनऊ के लालबाग और तालकटोरा क्षेत्र है, जहां पर IQ लेवल लगातार बढ़ा हुआ है। ये कहा जा सकता है कि हालांकि अभी किसी प्रकार की भयावह स्थिति लखनऊ में नजर नहीं आ रही है, लेकिन ये जो कहा जा सकता है कि आने वाले समय में जिस तरह से IQ लेवल की दिखाई दे रहा है, उससे लोगों की समस्या हो सकती है। और लोगों को क्योंकि IQ लेवल बढ़ने से जो जहरीली हवा है वो दिन पे बढ़ती जाएगी। तो फिलहाल आज का IQ लेवल की बात की जाए 300 के पार पहुंच चुका है। लखनऊ के तालकटोरा और लालबाग क्षेत्र है जहां पर IQ लेवल बढ़ा हुआ है। तो इसको लेकर सरकार भी चिंतित है और उसके लिए प्रयास भी किया जा रहा है। जानकारी साझा करने के लिए धन्यवाद।